कोरोना वायरस के बचाव के लिए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आज डेरा प्रेमियों ने ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को जहां कोरोना से बचाव के लिए जागरूक अभियान किया, वहीं उन्हें निशुल्क मास्क व साबुन भी भेंट किए। इस दौरान डेरा श्रद्धालुओं ने ईंट भट्टा की बस्तियों में जाकर वहां रह रहे लोगों को जागरूक किया। डेरा प्रेमी धर्मेंद्र ने बताया कि वे ईंट भट्टों पर जहां भट्टा पाठशाला के माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, वहीं आज पूरे विश्व में महामारी बनती जा रही है। कोरोना को लेकर ईंट भट्टे पर दूरसंचार संसाधनों से परे कार्य कर रहे इन भट्टा मजदूरों को इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसमें ईंट भट्टा पर काम करने वाले ये प्रवासी मजदूर जागरूक रहकर इस भयंकर बीमारी चपेट में आने से बच सके। कोरोना को लेकर सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का आगे आने का प्रयास बेहद सराहनीय है और उन लोगों के लिए भी संदेश है जो इंसानियत को भुला आज भी मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। से है यहाँ हमारे रदौर ब्लॉक के सात संगत की तरफ से ईंट भट्टे पर सात संगत पहले से भी आती रही है, यहाँ सेवा कार्य करते हैं। जैसे कि ये मजदूर भट्टे के लोग हैं, इनको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। और जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना जैसी नई बीमारी जो है ये फैल रही है और बढ़ती जा रही है, तो इससे बचने के लिए हमारी सात संगत जो है इनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि इनके पास यहाँ पर इनको बताने के लिए कोई टीवी नहीं, कोई अखबार नहीं और कोई माध्यम नहीं। तो यहाँ पर सात संगत ने अपना सभी जिम्मेवारों ने मिलकर के ये सहयोग दिया है कि इनको जागरूक करें और इस बीमारी से कैसे बचा जाए, कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पर आए हैं। हाँ, आज हमने इन सभी परिवारों को मास्क दिए हैं ताकि ये कहीं बाहर जाते हैं और जो खाना खाते हैं तो उनसे खाना खाने से पहले इनको साबुन बांटी है भी, ताकि जब भी खाना खाएं चाय लें तो अपना हाथ धो करके साफ करके साबुन से तब भी अपना खाना। हरियाणा के रादौर से लाजपत राय, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।